To watch more videos and support our channel, Dalit Poetry and Literature, please subscribe. घर तोड़ेंगे, गरीब का घर तोड़ेंगे, जहाँ खड्डा है
भरनी की है, फिर वो जगह के ऊपर कोई बड़े से बड़ा दूर से निगाह करता है, वहाँ बड़े ब्लॉक अच्छे रह जाएंगे अपने, वहाँ से भी कुछ फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो सोचो तो जिंदगी भर भी ये बम्बई शहर में गरीबों का रहना ठीक नहीं है और अपना जीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी सी झोपड़ी अपने को मानने का अधिकार नहीं है, वो सरकार है ही क्या है। पहले जो सरकार थी स्वतंत्र जो किया बोल वचन करके अपना कब्जे में कर लिया, फिर गरीबों के सहायता से तो आगे आ गए, तो गरीबों को एक बाजू में लगा दिया, जैसा पानी में दरिया में लहर आती है, पानी निकल जाता और कचरा किनारे पे रह जाता है, ऐसे गरीबों की समस्या किनारे पे रख दिया है सरकार ने। तो ऐसे भी कोई बात नहीं है, गरीबों की भी जान है, गरीबों का भी आत्मा है, कि उसके लिए भी दिल में कुछ है सहारा कि मैं भी ये दुनिया में कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। कोई बिल्डिंग नहीं बनाने चाहता हूँ, छोटा सा घर मेरा रह जाए, मेरे बाल बच्चे सुखी सम्मान से रहे और मैं यहाँ रोजी रोजगार करके कैसा भी मैं पेट भरूँ, कि गाँव में गुजारा नहीं होएगा, नहीं होएगा गाँव में गुजारा, गाँव में है क्या, रखा है क्या है। अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी, अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी, धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को, हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया, एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया, झोपड़े को पुलिस के हाथों, झोपड़े को पुलिस के हाथों, बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया। अरे 3 साल की सजा भी होगी, 3 साल की सजा भी होगी, और से बुरी पिटाई, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि ये पैसे वाला राज है, कोई कानून है क्यों आज हमारे पास पैसा नहीं करके इतना तंग, फुटपैरी कोई हमारी नहीं है, तुम्हारी है, सरकार की है ना, हमको हटा दो, फुटपैरी से हटा के किधर किनारे लगा दो हमको, फिर अपना बम्बई आप चिकना बना दो, खूबसूरत बनाओ भाइयों। मजदूर का राज होगा, मजदूर का राज होगा, खाने को खाना होगा, पीने को पानी होगा, रहने को घर होगा,